हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी में, आपको जो एसएससी होता है उसके अंदर एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है, एक प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, दूसरी वैकेंसी आती है आपकी सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये आया था 6 मार्च 2023 को, ये पिछले पीडीएफ है, प्रीवियस पीडीएफ है, बट हमें तो वैकेंसी से मतलब है कि आती है नहीं है, आपको अवेयर करना है। अगले साल जब 2023 में वैकेंसी आएगी तो दोस्तों 2024 में जब वैकेंसी आएगी तो उसको ध्यान रखना है, कब निकलती है, क्या क्या ये है, पूरा का पूरा प्लान अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये रहा पूरा प्लान है, ओपन हो जाए, यहाँ से देखो डेट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है डेट 6, लास्ट है कितना 27। ठीक है, लास्ट डेट टाइम ऑफ रिसीव ऑनलाइन करने की, ये डेट लिखी हुई है। दूसरी की बात करें तो लास्ट डेट है 27 मार्च की, बात खत्म। आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, एग्जाम कब होगा इसका, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ये, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्टिव पेपर है, जून जुलाई में होता है, ये कंफर्म है, हो ही जाता है, टेंटेटिव डेट होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल्स कहाँ मिलेगी सारी की सारी, अगर आप इस वेबसाइट पर जा गए तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, आप चाहे तो अभी सर्च कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट भी दिखाऊंगा बच्चों, रिजल्ट भी दिखाऊंगा क्या रहा क्या नहीं, सब कुछ वेरिफिकेशन। उसके बाद एसएससी में वैकेंसी आती है, डेट मैंने बता दिया। क्राइटेरिया क्या होता है, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं का भी हो सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह नेपाल, भूटान, इंडिया, ये आप रिफ्यूज हो सकते हैं, पाकिस्तान तो नहीं है बट भूटान, बांग्लादेश के आप हो सकते हो। तो चलो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा हमें चीज़ों को लेना है, कम समय में हमें चीज़ें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है तो थोड़ा सा हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस बच्चों, एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपये है, कितनी फ़ीस है, 100 रुपये फीस है, आएगी आगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 100 रुपये फीस है, यहाँ पर देख लो ये आ गई है फीस, फीस कितनी है 100 रुपये है। पहला आपको पता होना चाहिए किसी भी वैकेंसी का, एक तो डेट कौन सी थी, डेट कब कब से कब तक, दूसरा उसकी फ़ीस, तीसरा उसका सिलेबस। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला मैंने बता दिया कौन सी डेट, दूसरा मैंने फीस बता दी, आप बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपने आसपास का सेंटर देख सकते हो उसमें। उसके बाद ये आपका पेपर है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, एक तो 10वीं वाला स्टूडेंट जाता है, एक 12वीं पास स्टूडेंट होता है वो जाता है, एक होता है ग्रेजुएशन, यानी कि जो ग्रेजुएट कर लिया, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, बीएससी बायोलॉजी कर लिया, बीएससी फिजिक्स का कुछ भी है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो जा सकते हैं ग्रेजुएट। ठीक है, तो सबसे पहले सभी का पेपर सेम रहता है, चाहे वो 10वीं का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 12वीं का स्टूडेंट हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, पैटर्न एक ही रहेगा, बस उनका लेवल चेंज कर दिया जाता है। जो जनरल अवेयरनेस होती है, अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, कितने होते हैं टोटल, होते हैं आपके 25 25 25 50, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट या जिस हम रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पैटर्न्स है, ये आपका पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग है क्या, हाँ बिल्कुल है साहब, निगेटिव मार्किंग अगर आप देखोगे तो ये रही 1/2, यानी कि हाफ की निगेटिव मार्किंग है, कितने की है हाफ की, बड़ी अच्छी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखना है, आपको निगेटिव मार्किंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात करें, इसमें कोई किसी तरह का मैट्रिक लेवल है, जनरल में क्या आएगा, ये सब चीज़ें पूछी गई है, ग्रेजुएशन लेवल भी इन्होंने दिया हुआ है, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा, सारी चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, हर चीज़ लिखा हुआ है, आपको सिलेबस है पढ़ लेना है इसको, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, वैलिड आधार कार्ड आपके पास, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी हो, आप एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम पर जाओगे, एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो आप वहाँ से इनमें से किसी को, एक भी किसी चीज़ को लेके जा सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, स्कोर कितना होना चाहिए, जो यूआर है जनरल कैटेगरी,
30% का स्कोर होना चाहिए इसका, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का स्कोर होना चाहिए, और जो कैटेगरी है कैटेगरी है उसके लिए 20% का स्कोर होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपके आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसका 20% किसके लिए, अदर कैटेगरी के लिए, 25% आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 30% आपका जनरल के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम अगर आपके आते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके काम किया है बच्चों, ठीक है, जो आपके काम किया है। ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट पीरियड्स का है। मोबाइल वगैरह अगर आप ले जाओगे तो आपको इतने साल के लिए एसएससी बाहर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने ली। अगर आप हथियार लेके जाओगे, फ़ोन हथियार लेके जाओगे तो आपको 7 साल के लिए क्या किया जाएगा, आपको बैन किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है बच्चों। रूल्स रेगुलेशन अच्छे रहते हैं इसका, ये अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, कोई आपको इतना डिटेल्स में नहीं बताता है, आप इसके यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, और अब वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा सा जा रहे हैं। वैकेंसी ये सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। वैकेंसी के बारे में हम, कौन कौन सी पोस्ट है, उस पोस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी करूँगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट, ये फॉर्म होता है, इस तरह का फॉर्म भरा जाता है, ये सब आप देख लो, इस तरह का फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, सब एसएससी के फॉर्म आप लोगों ने भरे हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ती हैं भाई। कहाँ आप लोग मतलब देखो, थोड़ा सा इसको अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएगी। पूरी डिटेल्स बताऊंगा ताकि कुछ ना रह जाए, बस हमारा रह गया जॉब्स का। मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, डेट्स आपको बता दी, डेट कब आएगी कब नहीं आएगी, कितना आपको परसेंट लाना है, क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह के फ़ोटो अलाउ नहीं है, जिस तरह के फ़ोटो लगे हुए हैं ये फ़ोटो अलाउ नहीं है। ठीक है, इस चश्मा लगा के टोपी लगा के इस तरह का फ़ोटो लगाओगे तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको, क्या कर सकते हैं। ये है बच्चों हमारे काम का। बात करें तो क्या क्या रहती हैं चीज़ें, देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निकलती है। फर्टिलाइजर जो इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट ये एसएससी देता है, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। जितनी भी अगर आप देख रहे होंगे जितना भी ये है ग्रेजुएशन है सारा। ठीक है, तो दूसरी बात करें हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप बच्चों, एक वैकेंसी आएगी अभी प्लांट प्रोटेक्शन की। ये रहा देखो, ये आपका एग्रीकल्चर की वैकेंसी है जो मैं जिसको मैंने किया है, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर एनिमल हाउस। ठीक है, डेकोरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड द स्टोरेज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, इसमें होते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 2 थी। वैकेंसी हर साल आती है। उसके बाद हम हमारी दूसरी है सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। थोड़ा सा आप ये रहा, सेक्शन हॉर्टिकल्चर की ऑफिसर की वैकेंसी है। अगर बात करें तो पिछली बार 19 वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी, 19। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल 19 वैकेंसी आई थी सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जिसे हम PWD बोलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स AFO में लगे हैं, AFO बैंक में जाने के इच्छुक हैं, जबकि वहाँ पर प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, इंटरव्यू भी है, और यहाँ पर केवल एक एग्ज़ाम है, वो भी 100 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर मेहनत करोगे तो आपको यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैकेंसी, इतना अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ का देता है, और PWD में आपको, आप ही जानते होंगे PWD की कितनी अच्छी वैकेंसी है, जॉब भी अच्छी रहती है, आपको अपने स्टेट के आसपास भी मिल जाएंगी, घर के डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी मिल सकती हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा रीजन देखना पड़ेगा, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जो हो आप अगर अधिकारी बनते हो तो कहीं भी आपको चले आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पोस्ट हैं, दोनों पोस्टों के बारे में मैंने बता दिया, बाकी मैं पीडीएफ की आपको दे दूंगा, जो भी चीजें होगी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े वो मैंने डिस्कस कर लिया है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी अगर दिक्कत होती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाइए और लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल्स को एग्री विद कीवर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।